स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। अक्षरा बस भी कर, इतनी जरा सी बात पर परेशान नहीं हुआ करते। जरा सी बात तू नहीं समझती क्या वर्षा? कल तक मुझे लग रहा था कि तेरे और दादू के झगड़ा होने पे भी तुम दोनों का प्यार कम नहीं हुआ, वैसे ही मेरा भी रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि तेरा यकीन हिल गया? क्यों, तूने सुना नहीं शंकरी ताई ने क्या कहा? उन्होंने मेरा मन बहलाने के लिए यूं ही कह दिया था और मैं और तू सच समझ बैठी। यही ना मेरी प्यारी अक्षरा, तू अब तक नहीं समझी? हमारा मन जिसे सच मान लेता है ना, वही सच हो जाया करता है। मतलब देख, पहले तो मैं भी शंकरी ताई की बातों में आ गई थी और इसीलिए तेरे दादू के साथ हुए झगड़े को लेकर घबरा गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर है कि किसी की बातों में आकर घटता बढ़ता रहे? फिर मैंने तेरे दादू को मना लिया और फिर हमारा झगड़ा खत्म हो गया। मैं बताती हूँ। देख, कोई नहीं बता सकता कि हमारी जिंदगी में कल क्या होने वाला है, न शंकरी ताई और ना ही कोई ज्योतिष पंडित। हम जो आज करते हैं ना, हमारा कल उसी से बनता है, समझी? तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तुझे ये सब कैसे पता? भूल गई, हमारे फिलोसफी के लेक्चरर ने पढ़ाया था। लेकिन तुझे क्या याद रहेगा? तेरा मन पढ़ाई में लगे तब ना। इसीलिए कहती थी, रट्टू तोते की तरह रटना बंद कर, समझ के लिखा कर। चल, तेरे पढ़ाकू होने का कुछ तो फायदा हुआ। फायदा तो तब होगा जब तू शंकरी ताई की बातों को, उनकी कौड़ियों को भूलकर ये सोचेगी कि पिछली बार गलती कहाँ हुई थी और फिर वो गलती दोबारा ना दोहराए। बस फिर देखना मेरी अक्षरा को कोई कैसे ना कर सकता है। ठीक है मल्होत्रा साहब, जल्द ही मिलेंगे। चाय। क्या बात है, आज तक तो सिर्फ आपका चेहरा शर्म से लाल हुआ करता था, लेकिन आज तो आप पूरी की पूरी। देखिए ना, लड़के वाले आते ही होंगे, रंग है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शंकरी ताई भी ना इतना गाढ़ा रंग लगा दिया है मुझे। इतने बरस बीत गए, हमें तो लगा था कि अब तक आप पूरी तरह हमारे रंग में रंग चुकी होंगी, कोई और रंग चढ़ेगा ही नहीं आप पे। क्या हुआ बेटा, तैयार नहीं हुई अब तक? लड़के वाले आते ही होंगे। जी, वो माँ मैं। क्या बात है अक्षरा, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी बाबू जी, वो यहाँ आइए हमारे पास आइए। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? वो बाबूजी, जो लोग मुझे आज देखने आ रहे हैं ना। हाँ बेटा, हाँ। तो क्या वो लोग मुझे फिर से कहेंगे कि उस लड़के से अकेले में मिलो? आप कहना क्या चाह रही हैं अक्षरा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। देखो बेटा, अगर वो लोग जोर देंगे तो फिर भी नहीं। माँ प्लीज बाबूजी, मुझे उस लड़के से अकेले में बात करने को मत कहिएगा, प्लीज।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.